Hello and welcome to Sansadnama, Lok Sabha TV's special presentation, where we show you highlights of the proceedings of the Lok Sabha of the day. I am Charu Karthikey. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसदनामा में. एक ऐसा खास कार्यक्रम जिसमें हम आपको बताते हैं कि दिन भर तक लोकसभा की कार्यवाही में क्या कुछ रहा खास. बात करें अगर आज की, तो आज 15वीं लोकसभा के दूसरे सत्र का समापन दिन भी है और इसलिए कई ऐसे कामकाज जो रुके पड़े हैं उन्हें आज खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी. प्रश्नकाल की अगर बात करें तो आज 4 महत्वपूर्ण सवाल प्रश्नकाल के दौरान रहे, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों के माध्यम से जो ऋण का प्रवाह है उस पर सवाल हुआ. इसके अलावा सोशल ऑडिटिंग नरेगा की जो है उसको लेकर कुछ सवाल पूछे गए. साथ ही साथ क्रेडिट ग्रोथ रेट को लेकर सवाल रहा और इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं ऊर्जा उत्पन्न करने के, उन पर कुछ खास सवाल रहे, जिसके बाद सदन में कुछ महत्वपूर्ण कागजात रखे गए और इसके बाद शून्यकाल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए गए. तो अगले आधा घंटे में इन तमाम बातों पर हम करेंगे चर्चा. चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी स्टूडियो में आई हुई हैं. हमारे साथ हैं पूनम वेलजी भाई जाट, भाजपा से सांसद. स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में. और इसके साथ ही साथ अपने दर्शकों को बता दें कि जो अन्य पार्टी के सांसद हैं उन्हें भी हम कार्यक्रम के दौरान फोन लाइन पर लेने की कोशिश करेंगे, उनके भी विचार जानने की कोशिश करेंगे. लेकिन अब चर्चा की शुरूआत अगर हम करें, और पूनम जी, जिस तरह से आज प्रश्नकाल के दौरान पहला सवाल रहा ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों के ऊपर, तो जो रीजनल रूरल बैंक हैं इनका मकसद ही एक तरह से ये माना जाता है कि ग्रामीण इलाकों में जो किसान हैं या लोग जो अपने छोटे मोटे उद्योग शुरू करना चाहते हैं उन्हें प्राइवेट लेंडर्स के पास, मनी लेंडर्स के पास जाकर के पैसे ना मांगने पड़े, ये बैंक उनकी जरूरतों को पूरा करें. लेकिन अगर ध्यान दें हम, तो अभी तक इन बैंकों ने 25,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया है. और एक स्टैटिस्टिक्स इस तरह का भी है कि 4 अगर आप फार्मर हाउसहोल्ड्स को ले लें, किसान परिवारों को ले लें, तो 4 में से 3 ऐसे किसान परिवार आपको आज मिल जाएंगे जो इन आरआरबीज के पास, इन ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों के पास नहीं जाते पैसे लेने के लिए, उधार लेने के लिए, बल्कि प्राइवेट बैंकों के पास जाते हैं. क्या लगता है ऐसी स्थिति में कितना मदद, कितना आगे बढ़ पाए हैं ये रूरल रीजनल बैंक्स? क्या ये वाकई में अपना रोल जो है वो निभा पाए हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि अक्सर यहां पर हम बिल्स, पॉलिसीज, रेजोल्यूशंस कर लेते हैं, लेकिन जितना उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए अक्सर वैसा नहीं होता. जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन तक ये योजनाएं तो पहुंचती ही नहीं है. इतना करप्शन व्याप्त है कि पीछे ही वो पैसे गुम हो जाते हैं. और अगर बैंकों की बात ले लीजिए तो वो इतनी सिक्योरिटी मांगते हैं कि अक्सर गरीब किसानों के पास न इतना पेपर वर्क करने का टाइम है, न इतना उन्हें आइडिया है कि ये सब किस तरह से करना है. तो जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए अक्सर उन्हें तो ये लाभ मिलता ही नहीं है. और जो अभी भी सरकार ने जो डेब्ट्स थे फार्मर्स के वो माफ किए, उसमें भी आप देखिए उन्होंने उन लोगों के माफ किए जो भर नहीं पा रहे थे, और उन लोग जो प्रॉपरली भर रहे हैं उन लोगों को तो कंटिन्यू कर रहे हैं. मतलब कि कहीं ना कहीं आप लोगों में ये मैसेज दे रहे हो कि आप अगर अपने डेब्ट्स नहीं भरोगे तो सरकार माफ कर देगी, और जो रेगुलर भर रहे हैं उन्हें भी मतलब अपने जो ऋण है उनको भरना नहीं चाहिए. तो इस तरह से बहुत त्रुटियां हैं. सरकार योजनाएं तो लाती है, लेकिन जरूरी बात है कि उसमें उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो, और ऐसा नहीं होता. बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है. राइट, वेल द क्वेश्चन इन द लोकसभा ऑन द रीजनल रूरल बैंक्स वाज आस्क्ड बाय मिस्टर दिनेश चंद्र यादव. इज एन एमपी फ्रॉम द जेडीयू पार्टी. लेट्स हियर व्हाट हिज क्वेश्चन वाज एंड द रिप्लाई व्हिच वाज गिवन बाय फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी. ग्रामीण बैंक को शुरू करने में सरकार की अवधारणा थी शून्य प्रहर में उठा लीजिएगा, शून्य प्रहर कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा ऋण दिया जाए और उसको ऋण देकर सबल किया जाए. इसी सदन में पिछले लोकसभा में 14वीं लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री जी ने प्रश्न संख्या 4728 के उत्तर में उन्होंने कहा था कि ग्रामीण बैंक में उपभोक्ताओं के बेहतर सुविधा के लिए सभी बैंकों को कंप्यूटराइज करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे और अनुभवी व्यक्ति को पदस्थापित कर बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएंगे. अभी जो मेरा प्रश्न है, प्रश्न के खंड 2 में जो हमने पूछा था कि जनशक्ति के कमी के कारण, जो स्टाफ की कमी है उसके कारण बैंक ठीक से नहीं चल पाता है. हम अपने बिहार राज्य में जो है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, उसमें सहरसा जिला, खगड़िया, मधुबनी और दरभंगा जिला में जितने बैंक हैं ग्रामीण बैंक, उसमें 40% बैंक में बैंक मैनेजर है ही नहीं. जो स्केल 2 के भी बैंक हैं जिसमें 4 कर्मचारी होना चाहिए, उसमें कहीं 1 कर्मचारी है, कहीं 2 कर्मचारी हैं.
इन्होंने वो जवाब नहीं दिया कि कर्मचारी की कमी जो है उसके लिए हम क्या करेंगे। और इसीलिए हम माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से हम यह जानना चाहते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ करने तथा वायबल बनाने के लिए कुछ वर्ष पूर्व सरकार ने देश में इसका पुनर्गठन कराया था, जिससे बैंकों की संख्या में काफी कमी आई, किंतु इसके कार्य प्रणाली में सुधार एवं स्पॉन्सर्ड बैंक के द्वारा अपने अधीनस्थ के इन बैंकों पर वर्चस्व कायम न होने के कारण ये बैंक तक लक्ष्य के अनुरूप सुदृढ़ एवं वायबल नहीं हो सके। तो हम आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से हम जानना चाहते हैं कि किन उद्देश्यों से इन बैंकों को कब पुनर्गठन किया गया था और पुनर्गठन से पूर्व इन बैंकों की संख्या क्या थी तथा पुनर्गठन के पश्चात कितनी संख्या राजबार पूरे देश में रह गई तथा दोनों स्थितियों में क्रमशः राजबार घाटे की स्थिति क्या है और उसमें कितने का अंतर है। इन्होंने जो आपने बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए, इन्होंने जो सुझाए हैं, कई सुझाव हैं, उसको कार्यान्वयन कब तक कराएंगे? मैडम स्पीकर, इट इज करेक्ट, लेट मी आंसर दी number of questions have been put, and it is quite natural that the honorable members have interest in the regional rural banks. All these reports are being placed on the table of the house because as per the requirement, both the RRBs and commercial banks annual reports are being placed. But as the honorable member has raised this question, I am responding to it. The process of amalgamation, as per the recommendations of the Bash Committee, was taken up by the government, and the process of amalgamation started from 2005 to 2008, including establishment of one regional rural bank. And today, there are total banks which have been amalgamated, and there are 46 amalgamated, where the number of regional rural banks were converted into one, two or three. The basic principle was one state, one sponsor bank, one regional rural bank, or sponsored bank. If there were three, four, for instance in Bihar, there were four sponsors banks, so there were four regional rural banks. बिल्कुल, तो वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी बता रहे थे कि किस तरह से जो अमालगमेशन की प्रक्रिया है ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की, वो अपने आप में अब अपनाई गई है, क्योंकि कई कमिटीज की इसको लेकर सिफारिशें आई और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि कई ऐसे जो आरआरबीज हैं उनको एकत्रित करना चाहिए, एकीकृत उन्हें करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम 84 बैंकों की बात करें तो उनमें से 46 अभी तक ऐसे हैं जिन्हें अमालगमेटेड बैंक की संज्ञा दे दी गई है, और इसके साथ ही साथ 38 अभी ऐसे हैं जो स्टैंड अलोन बैंक्स हैं। तो इस तरह से वो बता रहे थे कि किस तरह से आरआरबीज को एक तरह से प्रभावशाली बनाने की ये पूरी कवायद है। और अब इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ एक और अतिथि शामिल हो गई हैं। यहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं काकोली घोष, आप सांसद हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से, स्वागत है आपका। काकोली जी, अगर हम अगले सवाल पर जाएं, जो अगला सवाल प्रश्नकाल में रहा वो नरेगा को लेकर था, नरेगा के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर था। अमूमन ये शिकायत जो सामने आई, सदन एक तरह से इस बात पर एक मत था कि ये जो स्कीम है नरेगा, एक्सलेंट स्कीम है, अपने आप में अच्छी स्कीम है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से होना चाहिए और ग्राउंड रियलिटी, जो जमीनी स्तर पर जो लोग मौजूद हैं वहां तक जिस तरह से इसे पहुंचना चाहिए, ये पहुंच नहीं पा रही है। आप क्या कहेंगे? वेस्ट बंगाल से आप आती हैं, आपके भी राज्य में नरेगा जो है इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये कहा जाता है कि राजस्थान में जहां नरेगा बहुत सक्सेसफुल रहा है, वहीं वेस्ट बंगाल में काम करने के दिन लगभग 29 या 25 ही मुश्किल से बन पाए। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में किस तरह का काम रहा है नरेगा का वेस्ट बंगाल में? Can I answer in English? Sure. You see, as far as I'm concerned and as far as West Bengal is concerned, there it seems to be a total failure, because the state government couldn't even manage to give a job to the poor people more than 14 to 16 days. It is not even 25 days, as you're saying. Mm-hmm. It's not even more than 14 to 16 days. And the implementation has not taken place at all. And the fault lies with the state administration, who have not even formed the BPL list properly. And you would be shocked to find
find out that people who are really poor, they didn't find their names in the list, but the family members and rich people owing allegiance to the CPM party who rules over there, and also family members and cadres and comrades of CPM party who are living in 2-3 storied buildings, owning cars and motorcycles, have their names in the BPL list, and their family members are getting the money from the scheme. So it is absolutely atrocious situation in Bengal, and this is a part of the actually the Millennium Development Goals, if you realize, because in 2000 when everybody around the world, you know, it was actually 179 countries and 147 heads of state who got together, and they said that to develop the underdeveloped parts of the world, we have to take care of certain situations in which it was alleviation of severe poverty, alleviation of hunger, 1 to 8. These goals were found out, and then they decided that to alleviate poverty and hunger, these kind of schemes had to be taken. Mm-hmm. And that is when the government took up these schemes, JNURM, then this NAREGA, and the other with the, even the rice. Distribution of rice does not take place properly in West Bengal. So all the schemes that are for the welfare of the poor people have failed miserably in West Bengal, and the administration also has totally collapsed because they cannot even maintain law and order, and they are behind creating law and order unrest. Right. Mm-hmm. So nothing has taken place in West Bengal. So views similar to this effect were expressed in the Lok Sabha today itself when the issue was raised, when the question was raised on the NREGS, on its implementation, how is the scheme actually working on the ground. The question was raised by Member of Parliament from the BJP, Sri Uday Singh, and the reply, of course, was given by Minister for Rural Development, Sri C.P. Joshi. Let's hear what the question was. जी. Madam Speaker, ये एक गंभीर प्रश्न है और गंभीर समस्या है. प्रश्न के उत्तर जो मुझे प्राप्त हुआ है, उससे फिर ये जाहिर होता है कि ये केंद्र सरकार राज्य की तरफ गेंद कर रही है और राज्य सरकार केंद्र की तरफ. लेकिन हम सभी सांसदों को मालूम है और माननीय मंत्री जी को भी ये मालूम होगा कि हम लोग की जो मंशा है कि ये नरेगा की लाख उन लोगों तक पहुंचे जिनके हाथ में काम नहीं है, वो दरअसल नहीं हो रहा है. ये इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना महत्वाकांक्षी महत्वपूर्ण कार्यक्रम, ये वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है जहां इसे पहुंचना चाहिए. बिचौलिए इसमें पैसे खा रहे हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे पे आरोप मढ़ रही है. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि क्या केंद्र सरकार इस इतने बड़े योजना को ठीक तरह चलाने के लिए, इसके लिए जो प्रशासनिक बैकबोन चाहिए उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए और कोई कदम उठा रही है या नहीं. मैं उदाहरण के तौर पर महोदय आपसे यह कहना चाहूंगा कि एक जिला में औसत 250-300 पंचायत होते हैं और आज जो वहां प्रशासनिक रीढ़ बनी हुई है इसको चलाने के लिए, फिर वही वो कलेक्टर के हाथ में दिया गया है जिसके पास अनेक काम है. इसके नरेगा का काम जमीन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है. जब तक केंद्र सरकार वहां सीनियर अफसरों को तैनात नहीं करेगी, पूरे रूप से वहां प्रशासनिक रीढ़ नहीं बनाएगी, तब तक ये चलाना मुश्किल होगा. इसलिए मेरा पहला प्रश्न माननीय मंत्री जी से है कि क्या केंद्र सरकार इसके बारे में विचार कर रही है, क्योंकि अभी जो मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे बताऊं कि अभी जो प्रावधान है इसके कि एक काम करने का इच्छुक जो है वो लिख के ग्राम पंचायत में दे. मंत्री जी, आप भी एक ग्रामीण इलाके से ही आते हैं, अगर इतने वो पढ़े लिखे हों कि वो ग्राम पंचायत में जाके लिख के दें और अपना हक मांगे, तब तो कोई बात ही नहीं थी. लेकिन इसके जो प्रावधान है, इसको बारीकी से देखने की आवश्यकता है कि जब तक इसको हम सरल नहीं बनाएंगे, जब तक इसको हम ठीक नहीं करेंगे और इसकी प्रशासनिक बैकबोन को हम ठीक नहीं करेंगे, ये वहां तक कभी भी नहीं पहुंचेगा जो आपकी, हमारी, सबकी मंशा है. ये मेरा आपसे पहला प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं जो माननीय सदस्य ने कहा. हम सबका कर्तव्य बनता है कि इस योजना का लाभ गरीब आदमी को मिले. मैं आपके माध्यम से सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि वो एक प्रतिनिधि अपना चुनकर हमें बताएं, हम अगस्त के आखिरी महीने में उनके साथ चर्चा करें, चर्चा करने के बाद कैसे इस योजना का प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन कर सके उसे उनकी राय लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं. मैं आशा करता हूं कि जो आपने कंसर्न शो की वो कंसर्न हम सबकी है और हम सब मिलकर इस योजना को प्रभावशाली ढंग से लागू करें, उसमें आगे आकर आप हमारी मदद करें जिससे सरकार एक अपना निर्णय करने में आपके फीडबैक को लेकर उपयोग ले सके.
Minister for Rural Development, Sri C.P. Joshi, there replying to the question raised on the implementation of National Rural Employment Guarantee Scheme. Well, it's time for us to slip into a short break now. Sansadnama will be back in a short while. Do stay tuned. ब्रेक के बाद संसद नाम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से प्रश्नकाल में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा को लेकर तमाम तरह के सवाल पूछे गए और जो जवाब दिया ग्रामीण विकास मंत्री डॉ सीपी जोशी ने, उन्होंने कहा कि खामियां बिल्कुल हैं, ये राज्य सरकारों के जिम्मे है कि वो ठीक से नरेगा को लागू करें, लेकिन अगर केन्द्र सरकार की भी बात की जाए तो अब पहल करेगी केन्द्र सरकार, अगस्त महीने के अंत में कोशिश करेगी कि सभी जो राजनीतिक दल हैं वो अपना एक एक प्रतिनिधि एक बैठक में भेजें जहां पर कुल मिला के आम सहमति से राय ली जाएगी और उसके बाद किस तरह से क्रियान्वयन की इन खामियों को दूर किया जाए उस पर बात की जाएगी। पूनम जी, जो एक सुझाव यहां पर रखा डॉ सीपी जोशी ने, जिसका स्वागत भी उदय सिंह जी ने किया, आप ही की पार्टी से हैं, उन्होंने स्वागत भी किया, किस तरह से आप इस सुझाव को देखते हैं? क्योंकि अगर हम मोटी मोटी बात देखें तो ये बात तो साफ है कि इसकी जिम्मेवारी जो है वो सीधे सीधे राज्य सरकारों के कंधे पर आती है, लेकिन हर बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या केंद्र सिर्फ पैसे का आवंटन कर अपना पल्ला झाड़ सकता है, आफ्टर ऑल कोई मैकेनिज्म तो हो। तो अब आपको क्या लगता है, इस तरह से जो कहा है कि सभी राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधि भेजें, मिलजुल के बात करके कोई इसका समाधान निकालेंगे, इस सुझाव को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो सुझाव उन्होंने दिया है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर बार प्रॉब्लम तो इम्प्लीमेंटेशन का ही है। अब नरेगा को ही आप ले लीजिए, जिन लोगों को मतलब उससे लाभ होना चाहिए उन्हें होता नहीं है और बीच में ही इतना सारा करप्शन है कि पैसे यहां वहां हो जाते हैं, इसलिए कोई मॉनिटरिंग फोर्स तो ऐसा होना जरूरी ही है कि देखें कि जो पैसे आवंटित होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से वो स्टेट लेवल पर जाकर वहां पर उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है या नहीं है। इसके लिए तो ये सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन यहां प्रॉब्लम ये है कि सुझाव होंगे, बातें होंगी, लेकिन जब बात काम करने की आती है तब केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है, स्टेट पर फेंक देती है। स्टेट में भी आप जाके पूछोगे तो वो यही कहेंगे कि हमें अभी तक जो पैसे आने चाहिए थे वो अभी तक नहीं आए हैं, तो हम अपने कोष में से कहां तक पैसे देते रहे। तो आई थिंक यू नो कि ये सब बातें हैं, इन पर कुछ जरूरी कॉन्क्रीट काम होना चाहिए, तभी जो जिस उद्देश्य के लिए हमारा ये पार्लियामेंट है और जो रूलिंग पार्टी है, अगर वो इतने सारे पैसे दे रही है तो उन्हें भी ये देखना चाहिए कि उन पैसों से नहीं काम हो रहा है या नहीं। बिल्कुल जी, हाउ कैन द सेंटर इंश्योर दैट द फंड्स दैट इट इज अप्लाइंग इट्स एंड द स्कीम्स व्हिच आर सेंट्रली फंडेड एंड इट इज अप टू द स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट देम, हाउ डू यू थिंक कैन द सेंटर रियली इंश्योर दैट द स्टेट्स आर वर्किंग प्रॉपरली एंड इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम? You see, accountability should be there in every sphere, like we say. So there can be a monitoring body which keeps a day-to-day tag on things that are happening. But as far as West Bengal is concerned, we would definitely take the
idea of our beloved late Prime Minister Rajiv Gandhi ji when he had said that directly from the PM to the DM, because recently our state was hit by a very bad cyclone, the Ayla, and you know, houses were razed to the ground and people were dead, then the animal were dead, the cattle and poultry, and we applied to the administration, but I think nearly 3 months are over now, nothing has taken place, and I'm sure the money that has been allotted from the central government will never reach the poor people of West Bengal. Mm-hmm. So as far as my state is concerned, I would definitely feel that if these schemes come under the administration directly, bypassing the state government, because as far as the communist regime in West Bengal is concerned, it's an atrocious rule which are about to torture the poor people only and nothing else. They're killing poor people, they're killing minorities, they're killing the scheduled caste, scheduled tribes, women, children every day for their own good, for political gains, and they are not really after the welfare of the state. So this particular state should look in for the central's help directly from the center to the administration at the district level, bypassing the state government. बिल्कुल, और जैसा कि हम जानते हैं, जहां तक नरेगा का सवाल है, कम से कम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर नरेगा का जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास नहीं रहा है, और अब केंद्र ने जितनी भी तमाम राज्य सरकारें हैं जहां ये स्कीम चल रही है, उन्हें कहा है कि अगले 3 महीने के भीतर नरेगा के तहत चल रहे हर काम का वो सोशल ऑडिट कराएं और जानकारी प्राप्त करें कि कहां पे कौन सा काम किस हद तक सही ढंग से चल रहा है। ये तो बात हुई नरेगा की, लेकिन इसके अलावा प्रश्नकाल में एक और महत्वपूर्ण सवाल उठा जो क्रेडिट ग्रोथ रेट को लेकर के था। ये भाजपा के अनंत कुमार हेगड़े ने इस पर प्रश्न उठाया और इसका जवाब वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने दिया। अध्यक्षा जी, आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार ने ये मान लिया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ऋण वृद्धि जनवरी 2008 और सितंबर 2008 के बीच 20 प्रतिशत से कम होकर अक्टूबर 2008 से जून 2009 के बीच 9 प्रतिशत हो गई थी, इसलिए सीआरआर में मैकेनिज्म करके मेरे जानकारी के अनुसार लगभग 3,80,000 करोड़ से ज्यादा रुपये को बैंकिंग सेक्टर में प्रावधान किया गया था ताकि देश में उत्पादनों में वृद्धि हो। और अब मैं मंत्री जी से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने जो सीआरआर द्वारा बैंकिंग सेक्टर में जो निधि का प्रावधान किया है, उसके बाद क्या क्रेडिट ग्रोथ में बढ़ोतरी हुई है? अगर हुई है तो सेक्टर वाइज क्या बढ़ोतरी हुई होगी? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड देन ट्रेडिंग। मैडम, द फैक्ट इज दैट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल क्राइसिस एनगल्फ द डेवलप्ड कंट्रीज एंड फाइनेंशियल मेल्टडाउन बिकेम ए मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट हैड इट्स एडवर्स इम्पैक्ट। Credit is required for investment, for carrying business, for using it for productive purposes. If those activities are reduced, the period which the honorable member referred to, there it is correct that we felt the impact of the world financial crisis from September onwards. Then the period between October 08 to January, and it continued even up to June 2009, it continued. Still it is continuing in certain sectors. Naturally, the credit requirement of those sectors have come down. Honorable member will notice, along with the text of this answer, I have given two important statements in the Annexure 1 and Annexure 2. Well, that was Union Minister of Finance, Pranab Mukherjee, there replying to the question on credit growth rate. Poonamji, if I could come to you, this is something which even the Union Minister admitted, that credit growth of PSBs, public sector banks, the credit growth rate, the deceleration had happened. But the thing which we are looking forward to is there was this demand from across various parties, across the political spectrum, that credit growth could be so that demand could pick up in the economy and sectors like the export sector, which had been hit because of the global financial crisis, they could revive. So what is your take on this? How do you think
the government has performed on this front? I don't think the government has performed properly on this. Whatever implementation should be done has not been done. They're just making policies but not implementing them. I think, you know, a proper kind of monitoring should be done on all these things. Mm-hmm. Then only the growth rate will increase and we could perform better. बिल्कुल काकोली जी, जिस तरह से हम क्रेडिट ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि बैंक्स जो किसी तरह का लोन या किसी तरह का क्रेडिट अगर किसी सेक्टर को देते हैं तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस सेक्टर में इतनी डिमांड होनी चाहिए, उस सेक्टर को जरूरत होनी चाहिए इस क्रेडिट की. अब हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट सेक्टर जो है लगातार उसमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है. एक्सपोर्ट सेक्टर रिवाइव नहीं कर पा रहा है हमारा. आज वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी बात की जाए तो इसी साल में जून का ही महीना रहा कि धीरे धीरे स्लाइट साइंस ऑफ रिकवरी हमें दिख रहे हैं. आपको क्या लगता है सबसे पहले क्या हमारे लिए जरूरी होगा कि हम अपना एक्सपोर्ट सेक्टर सुधारें, वहां पर ज्यादा रियायतें इस तरह की दें कि वहां जो लोग काम कर रहे हैं एक्सपोर्ट सेक्टर में वो स्ट्रेंथन हो, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो आगे बढ़े और उसके बाद ही शायद बैंकों से लोन लेने की प्रक्रिया या जो क्रेडिट रेट की हम बात कर रहे हैं इसमें ग्रोथ की बात कर रहे हैं ये पूरा हो पाएगा? You see, one thing is it was export dependent, the issue that you are saying, and the recession started particularly in the United States of America, and they had invested in the housing sector and it was in the people did not pay back, and mm-hmm. so the export sector who were exporting things to this particular country, when recession hit them, then the export sector was hit, and firstly it hit the laborers, then it hit the sector altogether. Now we are definitely reviving, India is definitely picking up, and the policy to address this issue would actually be to push liquidity, you know, mm-hmm. and then it has already been taken, the repo rate was taken care of, and the cash reserve ratio was reduced, and I definitely feel that we are picking up, and the lekin jo hamari raftaar hai aage badhne ki wo bhi dheemi hai, lekin phir bhi agar pashchim mein nahi ke mukabla there is no further that we can go down, lekin agar pashchim mein bhi pick up, bilkul chalo agar pashchim deshon ki baat kare to unke mukable kam se kam hamari sthiti jo hai wo abhi tak behtar bani hui hai. बिल्कुल. और इसके अलावा एक सवाल और जो था वो आज था रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को लेकर के, उनसे ऊर्जा जो प्राप्त होती है उसको लेकर. फिलहाल यही मुख्य बातें थी आज जो प्रश्नकाल के दौरान उठी, और अब 2 बजे जब एक बार फिर सदन बैठेगा तो उस वक्त रिप्लाई होगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर का, जो कुछ सवाल पूछे गए थे उनको लेकर के इसके ऊपर कुछ अहम हमें बातें जो हैं वो सामने इसे लेकर आ सकती हैं. तो फिलहाल संसदनामा में इतना ही. जाने से पहले अपने अतिथियों को धन्यवाद देना चाहेंगे, आप आए और आपने चर्चा में भाग लिया, और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के लिए सदन की ओर. नमस्कार. थैंक यू.